महिला सशक्तिकरण और बेटियों को सामाजिक बुराइयों के प्रति सजग करने के उद्देश्य से कस्बा टेटी गांव में आर्य वीरांगना दल की ओर से योग व चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेटियों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आर्य वीर दल के प्रांतीय कार्यकारी संचालक पंकज आर्य और आर्य उप प्रतिनिधि सभा मथुरा के प्रधान विपिन बिहारी आर्य के नेतृत्व में कस्बा टेटी गांव में 8 दिवसीय आर्य वीरांगना योग एवं जीवन निर्माण शिविर शुरू हुआ है, जिसमें ओम ध्वज फहराकर शिविर में भाग लेने वाली बेटियों को आशीर्वाद दिया। शिविर के आयोजक लाला राम बिहारी आर्य ने बताया कि बेटियों को शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से मजबूत व संस्कारवान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुबह व्यायाम, जूडो, कराटे, योगासन, तलवार व चाकू आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बेटियों को शिक्षा दी जा रही है। सामाजिक उन्नति के लिए सेवा कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फरीदाबाद से आई कुमारी श्वेता व कुमारी ऋतु आर्या बेटियों को प्रशिक्षण दे रही हैं। शिविर में संरक्षण के रूप में दुर्गेश देवी आर्य, भावना आर्य, ममता आर्य, चंचल आर्य, शिवानी आर्य समेत वीरांगना कार्य निर्वहन के साथ नैतिक शिक्षा और जीवन निर्माण संबंधी व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान कर रही हैं। सरोज देवी, पूनम आर्य, हरमुन्नी देवी, कृष्ण कुमार आर्य, बाबूलाल, मनीष कुमार, राकेश वासने, राजू सेठ मुख्य रूप से शिविर में सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान में जिन परिस्थितियों में हमारे राष्ट्र में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ युवक युवतियों में वैचारिक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आत्महत्याएं, बलात्कार आदि अनेक प्रकार के माता पिता की अवहेलना, इस सारे विषय को देखते हुए जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा मथुरा उसकी देखरेख में ये 8 दिवसीय आर्य वीरांगना चरित्र निर्माण योग शिविर का आयोजन टेटी गांव में किया गया है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राजनेताओं को, अन्यों को पवित्र बुद्धि दे, हमारे सिलेबस में वैदिक शिक्षा सम्मिलित की जाए। कभी यहाँ का राष्ट्रपति घोषणा करता था, मेरे संपूर्ण राष्ट्र में कोई व्यभिचारी नहीं है, चोर नहीं है, कोई नशीली पदार्थों का सेवन करने वाला नहीं है, कोई पुरुष व्यभिचारी नहीं है, तो स्त्रियां व्यभिचारी हो ही नहीं सकती। ये हमारा आदर्श कभी देश का रहा था। पुनः उसी आदर्श के क्रम में हम चाहते हैं परमपिता परमेश्वर हमें शक्ति भक्ति दें, अपने ऋषि मुनियों के मार्ग पर चलकर अपने परिवार, समाज, राष्ट्र को सुंदर बनावें, जिसमें बेटियों का बहुत योगदान है। यह आर्य वीरांगना दल का प्रशिक्षण शिविर है जो 8 तारीख से चल रहा है और 15 तारीख की दोपहर 1 बजे तक इसका दीक्षांत समारोह है। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्य वीरांगनाओं को प्रशिक्षित करके राष्ट्र के लिए मजबूत नारी सशक्तिकरण करना जी। यह कार्यक्रम 3 उद्देश्यों को लेकर के किया जा रहा है। यह यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके वीरांगनाएं भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, शक्ति का संचय करें, पूरे देश में अपनी जैसी और सशक्त महिलाओं को प्रशिक्षण दें, और तीसरा उद्देश्य है समाज में सच्ची सेवा के माध्यम से समाज को उन्नत बनाएं जी। इसमें 3 प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शारीरिक उन्नति के लिए 2-2 घंटे प्रातः सायं जूडो, कराटे, लाठी, भाला और तलवार, सर्वांग सुंदर व्यायाम, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, स्तूप, आसन, योग, और आत्मिक उन्नति के लिए प्रातःकालीन संध्या, यज्ञ और 3 घंटे बौद्धिक, जिसमें महापुरुष, भारत की वीर माताएं और वीर पुरुषों का तथा संस्कृति, धर्म, सभ्यता के बारे में इनको बताया जाता है, और तीसरा समाज में किस प्रकार से सेवा की जाए उसके नुक्शे इनको दिए जाते हैं।